पोकेमॉन्स कैसे हो आप लोग, स्वागत है एक और गाइड में। कैसे ये गाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये स्पीड हैक्स है, इसको ट्विक्स कह सकते हो, हैक्स कह सकते हो या फिर बूस्ट कह सकते हो। और आपकी क्या कहते हैं, मैं अपनी पोकेमॉन यूनाइट की सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ, प्लस जो मैं लेटेस्ट पोकेमॉन जिनसे मैं खेलता हूँ, जैसे जो भी आते हैं वो कैसे डाउनलोड करना चाहिए वो सर्वर। तो काफ़ी सारे लोग आप लोग कमेंट्स में पूछते रहते हो, तो वो कवर करूँगा, सारी चीज़ें कवर करूँगा। सबसे पहले सीधी बात करते हैं कि पोकेमॉन यूनाइट पब्लिक टेस्ट सर्वर देख सकते हो कि एक ये मेरे पास यूनाइट दिख रही है आपको, ये दिख रहा है एक पोकेमॉन यूनाइट और एक पोकेमॉन यूनाइट पब्लिक टेस्ट सर्वर है। ये कैसे डाउनलोड करते हैं, कहां से मिलेगा वो सब, तो गाइस सीधे यहां पे शुरू करते हैं। पहली बात तो क्रोम पे जाओ, आप क्रोम पे गए, यहां पे आप लिख सकते हो कि पोकेमॉन यूनाइट पब्लिक टेस्ट सर्वर, सीधा आ जाएगा आपको अगर लिखोगे। ये देखो पब्लिक टेस्ट, और यहां पे पब्लिक टेस्ट सर्वर, इस पे आप सबसे पहले पे जाओगे, क्लिक करोगे तो गाइस ये आपको उस पे ले जाएगा, क्या कहते हैं, उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। ये वेबसाइट आप देख सकते हो, तो क्रोम पे जाओ, चाहे जो भी आप यूज़ करो ब्राउज़र, उस पे जाओ, गूगल पे सर्च करो और देख सकते हो कि उर्चिपो इज़ नाउ अवेलेबल टू प्ले, ड्रैगापुल्ट इज़ नाउ अवेलेबल टू प्ले। तो ये गाइस आप नीचे जाओगे तो डाउनलोड नाउ, अब डाउनलोड नाउ करोगे तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको खैर क्लिक करके दिखा देता हूँ जस्ट टू बी सेफ, कि मतलब आपको वो तो नहीं है, देख सकते कि आप ऐसे नाम आएगा पब्लिक टेस्ट लाइट 1.1 ये वर्जन होगा, डाउनलोड में जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ें अब यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा पब्लिक टेस्ट सर्वर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये पब्लिक टेस्ट सर्वर हो गया। अब इसको मैं ओपन भी करके दिखाता हूँ, आपको पता तो चल जाएगा कि हाँ वही है कि दूसरा है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वायरस आने के चांसेस है। वायरस अगर है गाइस, अगर आपके फ़ोन में वायरस हो तो उससे भी आपका फ़ोन लैग और वो सब हो सकता है, वो चीज़ भी मैं कवर कर देता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रैगापुल्ट और उर्चिपो साफ दिख रहे हैं, मतलब उस पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, और यहाँ पे आपकी मेन आईडी नहीं है, ये आईडी जो भी बनेगी आपकी, ये वो कभी भी डिलीट हो सकती है, ध्यान से सुन लो, कभी भी आईडी डिलीट कर सकते हैं, तो आप कोई नहीं दोबारा खेल सकते हो, क्योंकि इसमें 30 लेवल सारी मैक्स है, सारी चीज़ें सब मैक्स है गाइस, सब मैक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे पोकेमॉन में क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो, मैं आपको ड्रैगापुल्ट वो सब दिखा देता हूँ। इसमें सारे पोकेमॉन अनलॉक है, सब चीज़ अनलॉक है, और यहाँ पे सेबल आई भी आपको दिख रहा है, सेबल आई आने वाला एक मिनट में आपको, ये देखो गाइस ये है पब्लिक टेस्ट सर्वर, इससे खेलता हूँ मैं। ठीक है, अब ये हो गया, अब मैं आपको अपनी पोकेमॉन यूनाइट की सेटिंग दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक मिनट इसको बंद करो भाई, बंद हो जाए और ये आपको पता चलेगा कैसे, अगर आपका लैग हो रहा है वो सब हो रहा है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें करनी हो। जैसे मान लो इंस्टाग्राम, अगर मैंने इंस्टाग्राम खोला, जैसे इंस्टाग्राम खोल लिया, अब जैसे ये चीज़ें प्ले स्टेशन का आ रहा है या वो सब आ रहा है, ठीक है, तो होता क्या है कि आपके पीछे क्या कहते हैं बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलती रहती है। कैसे चलती रहती है, कैसे पता चलता है, देखो सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे एप्लीकेशन का ये आपको दिख रहा है, ऐप पे क्लिक करो, ऐप साइन आ गया। अब देखो जो जो खोला हुआ ना गाइस, ओपन कर रखा हुआ वो यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इंस्टाग्राम मैंने खोला था, इंस्टाग्राम पर जाओ और यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये चल रहा है, तो इसको फोर्स स्टॉप कर दो गैस, फोर्स स्टॉप करोगे तो गैस ये चीज़ें बंद हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना ऐसे। इससे क्या होगा कि आपके जो पीछे जो मोबाइल पे जो एप्लीकेशन चल रही है वो आपका आपके फ़ोन को स्लो नहीं करेगी, लाइक कैसे बोलूँ, चलती रहेंगी ऑब्वियसली यार, जितने ज़्यादा चीज़ें पीछे चलेंगी उतना आपका फ़ोन लैग होगा। और यहाँ पे मैं अपनी यूनाइट की सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ, तो पब्लिक टेस्ट सर्वर कवर कर दिया आपका मैंने, क्या कहते हैं ये सेटिंग्स बता दी है, स्पीड हैक्स बता दिया, अब मैं FPS और वो भी अंदर की सेटिंग जाके बता देता हूँ अपनी जितनी भी सेटिंग्स है। तो गाइस जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले ना, और यहाँ पर देखते हैं भाई गाइस, बाय द वे यूनाइट के वीडियोस थोड़ा बीच बीच में इसलिए डिले हो रहे हैं क्योंकि 2 मिनट्स में मैं गया हुआ था। दूसरी बात, अभी और भी कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है, और आपका स्कारलेट वॉलेट है वो भी आने वाला है, तो आप देख सकते हो कि ये आने वाला है, ये अगले दिन आ जाएगा, मैं तो वो भी नहीं करता, और लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यू का वीडियो बनाया था। अब आपको मैं अपनी सेटिंग्स दिखा देता हूँ, सेटिंग्स देरी, एंड इस पर देख सकते हो कि आप गैस ग्राफिक क्वालिटी मैंने हाई करके, हाईएस्ट जा सकता हूँ बट हाई करूँगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख लो, जब भी गैस कोई भी कम्पिटिटिव गेम खेलो, उसमें ग्राफिक्स को लो से लो करके रखो। अगर आपके पास बिल्कुल खतरनाक PC या खतरनाक मोबाइल ना हो, लाइक ये मेरा ASUS ROG 5 है, स्टिल इसमें मैं जा सकता हूँ हाईएस्ट, लेकिन मैं हाई पे ही जाता हूँ। मैं फ्रेम रेट हाई रखो, हाई रखना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है फिर भी ड्रॉप हो रही है, वो सब हो रही है एप्लीकेशंस बंद करने के बाद भी, तो आप सही बताओ लो पे खेलो और हाईएस्ट करके खेलो, मतलब फ्रेम रेट आपकी हाई होनी चाहिए। ठीक है, एक ये सेटिंग्स है, अब मैं अपनी वो सेटिंग्स दिखा देता हूँ जो कंट्रोल्स वाली, बाकी देख सकते हो वाइब्रेशन भी बंद रखा करो, वाइब्रेशन बंद रखो आपकी बैटरी भी बचेगी, प्लस
थोड़ा सा फोकस बनाने में ठीक रखता है। जिनको आदत पड़ गई है वाइब्रेशन हाथ में करने की, मतलब अश्लील है या लौंडा जो भी कह सकते हो, जिसको हिलाने की आदत है, उसके लिए ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कंट्रोल्स पे। कंट्रोल्स पे जाता हो तो लोवेस्ट वैल्यू है जो उस पर टारगेट है। आप क्लोजेस्ट भी कर सकते हो, बट क्लोजेस्ट पे अगर आप रेंज खेल रहे हो तो आप ऑलराउंडर से दूर ही भागोगे ना, तो मतलब लाइक समझ जाओ यार कि जो आपके क्लोज होगा उसको टारगेट करेगा, ऐसे अच्छा कि जो बंदा मर रहा है उसको कर लो। और एक चीज़ होती है, ये भी मैटर नहीं करता, ये भी मैटर नहीं करता, मत करो। आपके आइकन के पास है ना बंदों के निशान आते हैं, लाइक उनके चेहरे आते हैं, उस पर क्लिक करके मार सकते हो। और एडवांस जा रहा हूँ, एडवांस ये तो हमेशा होना चाहिए। और ये देख सकते हो इन मोशन, ये जो है ना परस्यूट मोड ये ऑफ कर रखा है, ये ऑन होता है तो ऑफ कर देना। और गोल वाला है वो उसको सिर्फ प्रेस वाला कर देना, होल्ड वाला मत करना। मूव कैंसिलेशन ये है, लॉक इन ये है, एम सेटिंग ये है। और मेरी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है, वैसे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। मेरे को इसलिए ज़्यादा करनी पड़ेगी थी, शायद वो डेसी पता नहीं कुछ तो पॉकेबल खेल रहा था। और कैमरा फॉलोस मूव ये ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है। और कैमरा सेंसिटिविटी देखो मैंने इतनी कर रखी है, नॉर्मल से ज़्यादा कर रखी है मैंने, ठीक है। तो ये आपकी मूव पैनल की, ये उसकी है, तो ये सेटिंग्स है। बाकी बैटल इन्फो में ये सेटिंग्स की बूस्टेड गेज अटैक वो जो हेल्थ के नीचे दो बार आते हैं वो ये है। और तो ऐसा कुछ है नहीं गाइस, और तो ऐसा कुछ नहीं। ये आप बना सकते हो कि मेरे को अटैक करना, ये करना, हेड जैसे मैंने ये कर रखा है कि यहाँ से आप कुछ भी उठा सकते हो और यहाँ डाल सकते हो, स्वैप कर सकते हो, जैसे आई नीड बैकअप की जगह मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, ये आप अपना बना सकते हो। ऑडियो वाले बिल्कुल कम कर रखिए क्योंकि लाइव स्ट्रीम में मेरे को थोड़ी सी गैस चाहिए होती है, क्योंकि मेरे को बात करना होता है आपसे। तो गाइस ये सारी सेटिंग्स है आपको मैंने बता दिया है। मेन तो सेटिंग आपकी ग्राफिक वाली है, आपको एप्लीकेशन बंद करिए। अब देखो यूलाइट चल रहा है, अब यूलाइट आपके पीछे चल रहा है तो आप कैसे करोगे बंद? आप सेटिंग्स पर जाओगे इसमें, और एप्लीकेशन में फिर से जाओगे, क्या कहते हैं इस पर फोर्स स्टॉप कर दोगे, ठीक है। देखो फोर्स स्टॉप पैसे तो इसको चलने दो, खैर कर दो तो अच्छा, आपकी बैटरी भी बचती है, प्लस आप अगर आप कोई दूसरी गेम भी खेलोगे तो वो भी आपको फ़ायदा होगा। ये गाइस छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये मैंने तो बंद कर दिया था, देखो फिर से ऑन हो जाता है। भाई ये तो पंगे है इसके, तो मतलब जैसे ही आप ऑन करोगे ना तो ये चीज़ें वो हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, पीछे चल रही है। तो गाइस आई होप ये आपको यूज़फुल रहा होगा, आप एक बार ट्राई करके देख ला, आपकी FPS बढ़ती है, आपके लैग और वो सब चीज़ें। एक और मैं कवर करना चाहूँगा कि अगर आपका लाइक मोबाइल ये सेटिंग्स करने के बाद भी अगर आपकी FPS 30 आ रही है या फिर लाइक हाँ 30 आ रही है, तो ये बस सोचना लाइक आपका एक डिवाइस भी होना मैटर करता है। आप जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर्स वो सब देखोगे तो उनको गैस ROG 5 दिया जाता है या फिर PC उनका बहुत ज़्यादा हाई एंड होता है, इसलिए होता है कि उनको FPS चाहिए होती है। अगर आपका 30 FPS से ज़्यादा नहीं दे सकता लेकिन आपकी 21-22 FPS आ रही है, 19 आ रही है, तो 30 जरूर आ सकती है, ये सेटिंग्स करने के बाद आई होप जरूर आएगी। ये गैस सेटिंग्स मैं भी यूज़ करता हूँ। और बाय द वे आपके फ़ोन में अगर कुछ चीज़ें हैं जैसे D&D मोड है या वो है तो उसको ऑन कर दिया करो, जैसे यहाँ पे मेरा D&D है मैंने ऑन कर दिया तो कोई भी नोटिफिकेशन वो सब नहीं आएगी। तो एक आपको लिए ये भी ठीक है कि बाय चांस आप लाइव कर रहे हो तो आपकी कोई कुछ स्पेशल मैसेज आए, आपकी निब्बा निब्बी का कुछ मैसेज आ जाए कि खाना खाया था ना था या नहीं था या बस वो समझ जाओ, तो ये भी ऑन करके खेल सकते हो आप। तो ये सेटिंग्स है गाइस, और देख सकते हो ये थोड़े नोटिफिकेशन आ चुके हैं हमारे बी शर्ट भाई, हमारे ओपी ऑल बैट और ये चीज़ें। तो इसी के सबसे आगे तो गाइस जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, जो चैनल बनना है सबसे आगे लेना गाइस। आपको मैंने गाइडियाँ कवर करती है, टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है, 2 weeks है, स्पीड हैक्स है। तो गाइस ऑडियो स्टिकर शबगैर एंड पीस आउट।